आज क्या पढ़ेंगे? प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में अपने स्टडी करना है। द्वैत से पता चल रहा है कि दो प्रकार की प्रकृति। प्रकाश जो होता है वो दो प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। और दिमाग में क्लियर रखिए कि प्रकाश की प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं, तरंगीय और कणीय। प्रकाश कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। वो दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। इसके लिए समय समय पर तीन वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए और तीनों वैज्ञानिकों के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले न्यूटन ने दिया न्यूटन का कणी का सिद्धांत। और न्यूटन के कणी का सिद्धांत में क्या बताया न्यूटन ने? न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो होता है वो कणिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रकाश जो होता है वो कणिकाओं से यानी कि कणों से मिलकर बना होता है। ये सबसे पहले न्यूटन ने बात बताई। हालांकि न्यूटन की बात आज सही मानी जा रही है, लेकिन उसको झुठला दिया था हाइगेन ने। क्योंकि हाइगेन ने जब सिद्धांत दिया था उसने दिया था तरंग सिद्धांत। और हाइगेन ने ये क्या दिया कि नहीं, जब अपने ग्यारहवां चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं हाइगेन का तरंग सिद्धांत करवाऊंगा। तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत कहता नहीं, प्रकाश तरंगों की तरह होता है, कणों की तरह नहीं होता। लेकिन यानी कि इसने बताया कि प्रकाश तरंगीय प्रकृति दर्शाता है। तीसरा वैज्ञानिक आया, समय समय बदलता गया। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है हम पढ़ चुके हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आपका बिल्कुल पहला लेक्चर इसी के ऊपर था, चैप्टर 13वें चैप्टर का स्टार्टिंग। उसने बताया कि नहीं, न्यूटन सही कह रहा था, प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को क्या नाम देते हैं? फोटॉन। प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों का नाम फोटॉन होता है। ये बात प्लांक ने बताई। तो ये तीन हमारे पास वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग नियम दिए। न्यूटन ने कण बताया, हाइगेन कहता नहीं न्यूटन भाई साहब गलत है, तरंग होता है। लेकिन प्लांक भाई साहब तो सबसे ज्यादा एडवांस निकले। उन्होंने क्या बताया? नहीं, कौन सा होता है, कौन सा सिद्धांत कणों की तरह व्यवहार करता है जिसको फोटोन कहते हैं। और फोटोन की ऊर्जा की बराबर होती है, हम कर चुके हैं। अब देखिए, एक वैज्ञानिक ऐसा आया जो इन सबसे समझदार था। 1929 के लगभग उसने एक ऐसी खोज की, सबसे समझदार था, और उसने दे दिया डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। वो कहता नहीं, ऐसा नहीं है, आप सारे ही सही हो भाई। न्यूटन भाई साहब भी सही थे, हाइगेन झूठा नहीं है, पर प्लांक तो हमेशा सत्य बोलता है। इसका मतलब तीनों जो है भाषा को बदल के बोले तो बोर नहीं होते। अगर तीनों में सत्य सत्य कह देता तो। इसीलिए ये भी एक बोलने की ध्यान रखना है आपको। जब भी आप भी प्रस्तुत करने के बाद बड़ी जगह जाओगे, मौका मिलेगा कॉलेज में, उसके बाद पढ़ाई करके अच्छा है, आप बहुत अच्छे होने तक पहुंचना है आपको, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना होता है। और अपने आप में एनर्जी भर के रखो, बस कभी भी एनर्जी से लेस नहीं होना। प्लांक के अकॉर्डिंग एनर्जी रखनी है ई बराबर एच न्यू, बस आपकी आवृत्ति पूरी रहनी चाहिए। आवृत्ति डाउन हो गई तो बोर्ड के साथ, अगर आपकी मैचिंग डाउन हो गई, बोर्ड में जो मैं लिख रहा हूं उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है, वो डाउन नहीं जाने देनी। तो डी ब्रोगली भाई साहब आगे चौथा वैज्ञानिक, नाम याद रखने आपके चारों के। डी ब्रोगली ने खतरनाक चीज दी। वो कहता भाई क्यों झंझट में पड़े हो, तरंग भी वही है, कण भी वही है, अल्लाह भी वही है, राम भी वही है। उस तरीके से तरंग भी वही है, एडवांस डी ब्रोगली कहता तरंग भी वही है, कण भी वही है, उसकी मर्जी है। कभी तो प्रकाश तरंग बन जाता है, कभी प्रकाश कण बन जाता है, मस्जिद में जाके अल्लाह बन जाता है, मंदिर में जाके राम बन जाता है। वही बात, जब तो तरंग तरंग के साथ मिलती है, जब प्रकाश प्रकाश में मिक्स होता है, जब प्रकाश की क्रिया प्रकाश से होती है तो वो तरंग व्यवहार प्रदर्शित करता है। और जब जब उसकी मुलाकात प्रकाश किसी द्रव्य पे आके गिरता है, पदार्थ पे आके गिरता है, तो वो फोटोन बन जाता है, यानी कि वो कण बन जाता है। तो दोनों प्रकार की प्रकृति बता दी। कहता कणीय भी होती है, तरंगीय भी होती है। कणीय कब होती है? जब प्रकाश की द्रव्य से क्रिया होती है, प्रकाश प्लस द्रव्य, प्रकाश किसी मटेरियल पे आगे गिरता है। और तरंगीय कब होती है? जब प्रकाश अपने ही मेल के प्रकाश के साथ मिलता है।
जब हिंदू हिंदू से मिलता है तो राम राम ही होती है, और जब हिंदू मुसलमान से जाके मिलता है यानी कि प्रकाश द्रव्य से जाके मिलता है समझने के लिए तो वो अल्लाह भी कह देता है। इसी तरीके से मुसलमान हिंदू से मिलता है तो राम भी कह देता है, लेकिन मुसलमान मुसलमान से मिलता है तो वो अल्लाह नहीं कहते। तो वही बात यहाँ पे समझने के लिए कि जब प्रकाश द्रव्य से मिलता है तो कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, लेकिन जब प्रकाश प्रकाश से मिलता है तो तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकाश को प्रकाश में मिलाना है तो तरंग ही तरंग में मिलेगी, कण कण में कैसे घुसोगे? मैं पूरा एक कण हूं और मेरे अंदर कोई दूसरा बंदा घुसोना है तो घुस जाएगा क्या? तो कण में कण कभी नहीं घुसता, इसलिए कणीय प्रकृति प्रकाश द्रव्य द्रव्य होता है, प्रकाश प्लस प्रकाश अगर कणीय मानो तो कणीय और कणीय कैसे मिलेगा, इसलिए समझने का तरीका है। अब उसको इसने बराबर बताने के लिए कैसे बताया, अब जरा बताइए कण के पास क्या होता है? कण के पास होता है द्रव्यमान, कण के पास होता है द्रव्यमान, तरंग के पास कभी द्रव्यमान नहीं होता। तरंग के पास एक और चीज होती है, तरंग दैर्ध्य है। अगर मैं द्रव्यमान को और तरंग दैर्ध्य को, अब कण के पास द्रव्यमान है तो उसके पास वेग भी है, यानी कि कण के पास द्रव्यमान गुणा वेग होता है जिसको आप क्या कहते हो? संवेग। कण के पास संवेग होता है और जो भी कण, अब डी ब्रॉगली ने बहुत खतरनाक चीज बताई, जो भी एम द्रव्यमान का कण है मान लो, जो भी कण जब कोई कण चलता है तो उसके पीछे एक तरंग जरूर होती है, ऐसे उसके साथ चलती है। हर कण के पास एक तरंग अवश्य होती है, यानी कि प्रत्येक कण तरंग भी होता है और प्रत्येक तरंग के साथ एक कण भी होता है जिसको फोटोन कहते हैं। जब कण जब मैं चलता हूं ना ऐसे तो मेरे चादना ऐसे पूंछ के रूप में तरंग चलती रहती है, लेकिन मैं इतना भारी हूं मेरा द्रव्यमान बहुत ज्यादा है इसलिए वो मेरी तरंग किसी को दिखती नहीं है। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है तरंग छोटी होती जाती है, या क्या तुम तरंग दैर्ध्य छोटी होती जाती है। अब लैम्डा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य जितनी बड़ी होगी आप कह सकते हो उतना ही हमें तरंग दिखने लग जाए, तरंग दैर्ध्य बड़ी होनी चाहिए तभी तरंग दिखे। अब मैं भारी वर्ग हूं, मेरा द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो मेरी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगी, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतनी कम तरंग दैर्ध्य, जितनी कम तरंग दैर्ध्य तरंग दिखेगी। तो द्रव्यमान बढ़ता जाता है तो तरंग दिखना बंद हो जाती है। बोर्ड में क्वेश्चन भी आए हम आपको करवाएंगे, पहले मेन चीज समझ लेते हैं। तो तरंगीय प्रकृति जो होती है वो तरंग दैर्ध्य के को प्रदर्शित करती है, और अगर कोई कण है तो उसके पास द्रव्यमान होता है। तो कहता है अगर द्रव्यमान और तरंग दैर्ध्य को मैं बराबर कर दूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, दोनों प्रकृतियां बराबर हो जाएगी। तो देखो उसने क्या किया, वो कहता प्लांक भाई साहब को पकड़ देते हैं, किसी को झूठा नहीं कहा उसने, बहुत अच्छा वैज्ञानिक था। वो कहता प्लांक के तरंग क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ई बराबर एच न्यू होता है, पता है? और वो कहता भाई साहब जी न्यू सी बटे लैम्डा होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो ई बराबर एच सी बटे लैम्डा हो जाता है, कोई समस्या नहीं। वो कहता हम आइंस्टीन भाई साहब को तो भूल ही नहीं सकते, कहते कोई आप लोग कोई ज्यादा बड़े नहीं हो चारों, आइंस्टीन को हम नहीं छोड़ सकते, आप चारों बड़े बड़े नाम वैज्ञानिक आ गए तो आइंस्टीन भाई साहब भी आएंगे। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये कण के लिए है, ये तरंग के लिए है, दिख रहा होगा ये तरंग है ना, लैम्डा लैम्डा आ गया वो तरंग है, या द्रव्यमान आ गया वो कण है। तो कण और तरंग दोनों को बराबर कर दिया उसने एक तथा दो से, एक तथा दो को बराबर किया तो एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बटे लैम्डा आ गया, सी से सी डिस्टेंस हो गया, एम सी बराबर एच बटे लैम्डा आ गया, एम द्रव्यमान है सी वेग है और द्रव्यमान गुणा वेग हो जाता है संवेग, ये संवेग हो गया। क्या बात कर दी आपने, बात ही अलग हो गई, संवेग पी बराबर एच बटे लैम्डा हो गया, यही डी ब्रॉगली का सिद्धांत है जिसमें कण कण बराबर बैठा है तरंग के, संवेग कण का होता है लैम्डा तरंग का होता है। देखिए क्या आश्चर्य आश्चर्यता की बात है, कण और तरंग दोनों बराबर बिठा दिए, ये बहुत अच्छा लगता था डी ब्रॉगली ने करके, इसको कहते हैं डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली का
आप कह सकते हो द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है। अब देखिए ये डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत हो गया, यहां से आप लैम्डा भी निकाल सकते हो, एच बटे पी हो जाएगा। और आप खुद देखिए पी क्या होता है, यदि वेग बी मान लू मैं, अभी तक तो वेग सी था, यदि वेग बी हो तो आपको पता है संवेग हो जाएगा, संवेग पी बराबर हो जाएगा एम पी, तो संवेग को एम पी रख देंगे। समीकरण नंबर तीन के अंदर फ्रॉम थर्ड एंड फोर, इसको फोर दे देते हैं, तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा एच अपॉन एम बी। देख सकते हो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा लैम्डा कम होता जाएगा, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा लैम्डा कम होता जाएगा। इसका मतलब जितनी भारी कोई चीज होगी उसका लैम्डा उतना ही छोटा होगा। जैसा कि 2006 में क्वेश्चन आया था, कहता 100 ग्राम की गोली है, एक 100 ग्राम की गोली है 2006 में आरबीएसई राजस्थान बोर्ड में। 2006 में क्वेश्चन आया बहुत इंपॉर्टेंट, 100 ग्राम की गोली है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। कहते गोली छोड़ दी डिस्काउंट करके और वो जा रही है, तो अब गोली के पास द्रव्यमान है क्या, उसके पीछे पूंछ नहीं है, तरंग है। कहते उस तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए जो इसके साथ संबद्ध है, संबद्ध मतलब लटकती हुई साथ में झूमती जा रही है तरंग, मैं चलता हूं मेरे साथ तरंग झूम रही है ऐसे ऐसे, तो जो इसके साथ तरंग जा रही है उस तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, और बताइए कि उस तरंग दैर्ध्य को मापा नहीं जा सकता क्योंकि तो होगी इतनी छोटी, तो इसका मतलब मैं तरंग दैर्ध्य ज्ञात करूंगा डी ब्रोगली के सिद्धांत से। बहुत अच्छे भाई साहब, देख मुझे लैम्डा पूछा है एच बटे पी होता है, अगर फार्मूला कभी भूल गए तो सिर पे पड़ेगी डांग, फार्मूला नहीं भूलना है भाई, लैम्डा बराबर एच बटे पी, नंबर आ जाएंगे पक्के, डायग्राम का रट्टा मार लो, एच का मान तो भूलना ही है जिंदगी में, सुबह में याद करते रहा करो, 6.62 × 10^-34 जूल सेकंड, और निकालना पड़ेगा संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान है 100 ग्राम, ग्राम में बदल लो किनमा, हजार को दे दो भाग, ग्राम बन जाए वो किलोग्राम, यानी कि 0.1 किलोग्राम हो गया 100 ग्राम। द्रव्यमान मीटर पर सेकंड में कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको ग्राम में रखोगे तो हो जाएगा उत्तर गलत और नंबर दे देगा एग्जामिनर 0, लगा देगा टाटा, बदलना पड़ेगा किलोग्राम में। ये हो गया भाई साहब 0.1 गुणा वेग कितना है भाई 10, तो उत्तर क्या आ गया इसका किलोग्राम, इसका मीटर प्रति सेकंड, मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और बन गया ये एक, एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, समझेगा। अतः एक से लैम्डा 6.62 × 10^-34 बटे एक, तो ये तो आ गया 6.62 × 10^-34। अब लैम्डा होती है लंबाई मीटर मीटर मीटर, 10 बार 3 बार 10 बार 25 बार 20 बार बहुत बार बताया है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है, लंबाई होती है, तो देखिए 10^-34 बहुत 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 ही छोटा है, इतनी छोटी 0.1 लगा के 34 बार 0 लगा के फिर छक्का आएगा, ये छे वो वाला सिक्सर नहीं जो धोनी लगाता है छक्का, वो वाला नहीं, तो इसका मतलब वैल्यू जो है बहुत ही क्या आ गई, छोटी आ गई, इसको मापा नहीं जा सकता। स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया खत्म। अपने बार बार बात कर रहे हैं कि जो भी कण है वो जब चलेगा तो उसके साथ एक तरंग चलेगी, जो डी ब्रोगली ने बताई, जो झूमती जाएगी उसके साथ, वो जो झूमती हुई तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, उस तरंग को कहते हैं द्रव्य तरंग, उस तरंग का नाम होता है द्रव्य तरंग। ये द्रव्य तरंग प्रत्येक द्रव्य के साथ होती है, प्रत्येक कण के साथ होती है, वो अलग बात है कि भारी कण है तो दिखेगी नहीं क्योंकि वो छोटी होगी, और अगर छोटा कण है तो वो साक्षात दिखेगी, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके साथ दिखती है तरंग, और तरंग का और इलेक्ट्रॉन का रंग भी हम अपने प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो लैम्डा अगर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य के बराबर हो तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखेगा कैसे रंग का, लाल रंग का, अगर तरंग दैर्ध्य हरे रंग के बराबर चली जाए तो हरे रंग का दिखेगा,
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को देखा भी जा सकता है। अब वो हरा या लाल में कैसे आएगा, वो पी को सेट करके आएगा, क्योंकि लैम्डा पी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो है वो अगर आप देखें तो पी यानी कि संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वक्र ऐसा आएगा लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती पी। और बहुत बार बता दिया कि ये इधर टच नहीं करना चाहिए, इधर भी टच नहीं करना चाहिए किसी भी अक्ष के साथ, ये लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती पी का वक्र आ गया। ठीक है, द्रव्यमान के ऊपर भी निर्भर करती है, यानी कि द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का वेग बदलते जाओ अलग अलग रंग के इलेक्ट्रॉन पाते जाओ, वेग इतना सेट कर दो लाल रंग की लैम्डा आ जाए, वेग इतना सेट कर दो इलेक्ट्रॉन का हरे रंग की आ जाए, इतना सेट कर दो नारंगी, अलग अलग रंग के इलेक्ट्रॉन पाओ, वेग को बढ़ाओ कम करो। ठीक है, कोई भी न्यूट्रॉन भी आप देख सकते हो अलग अलग रंग के। अब देखिए, अब आपको पता है कि एक बार बताइए गतिज ऊर्जा, आप सब बच्चों को पता है हमारे गतिज ऊर्जा की होती है एक बटा दो एम बी का स्केयर, ऊपर नीचे एम का कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये बढ़ गया जी एम का स्केयर हो गया ऊपर नीचे, और यहां हो गया वी का स्केयर। ठीक है, अब एम वी होता है संवेग, तो ये हो गया संवेग पी का स्केयर, पी का स्केयर बटे दो एम, क्यों, क्योंकि पी मेरे पास एम वी होता है मुझे पता है। कई बार कण की ऊर्जा दे देते हैं वो गति ऊर्जा और पूछ लेते हैं लैम्डा याद करो, तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो हम कर रहे हैं। पी का मान निकाल लीजिए यहां से, दो एम इधर चला जाएगा तो पी स्केयर तो आ जाएगा दो एम ई, और पी आ जाएगा अंडर रूट दो एम ई। जब पी आपको मिल गया अंडर रूट दो एम ई, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि पी का मान समीकरण छह से उठा के, पी का मान समीकरण छह से उठा के समीकरण नंबर तीन में रख देते हैं, सिक्स को इन थ्री कर दीजिए, सिक्स इन थ्री आपका लैम्डा आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट दो एम ई। ये भी डी ब्रॉगली का ही सिद्धांत है कि अगर आपको ऊर्जा दी हो और लैम्डा पूछ ले तो ऐसे करोगे, समय की हो लैम्डा पूछ ले, वो समय भी पूछ सकता है लैम्डा दे के, बहुत प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, द्रव्य तरंगे क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला चैप्टर मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया, दसवां चैप्टर उसके अंदर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे नौवें दसवें चैप्टर में। देखिए, और लास्ट वाला चैप्टर है एक आपका पंद्रहवां सोलहवां सत्रहवां चैप्टर, उसमें भी है। तो देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे हमेशा कौन उत्सर्जित करता है, एक आवेश करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल ने कहा हमेशा कौन उत्सर्जित करता है, एक आवेश उत्सर्जित करता है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश नहीं है, लेकिन द्रव्य तरंग तो न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। मेरे पास कौन सा आवेश है, डी ब्रॉगली कहता हरदीप जी आप जब चलते हो ना तो आपके पास भी एक तरंग है जो आपके साथ साथ झूमती है। मैं कहता भाई दिख जाती तो दर्शन कर लेते, लेकिन दिखती नहीं क्योंकि बहुत छोटी है, बार बार बता रहा हूं माइंड में रखिए। अब देखिए, मेरे पास कोई आवेश नहीं, लेकिन मेरे पास एक तरंग है जिसको मैं द्रव्य तरंग कहता हूं। इसका मतलब द्रव्य तरंग आवेश पर निर्भर नहीं करती, आवेशित कण होना जरूरी नहीं है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग केवल किससे निकलती है, आवेशित कण से ही निकलती है। ठोक दीजिए शेयर और कर दीजिए लाइक फटाफट और कमेंट।